Sri Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Uvajjayanam, Namo Loi Sabbasahunam. Mokshumargashinetaram Vetaram karma bhubhratam Gyataram vishvatatvanam Bande tadguna labdaye. अभी आगे चलते हैं. देखो एक बार सूत्र बोलो. औपसमीक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वयतत्व मौदयिक पाणिनामकौ च. ऐसे सरकते जा भैया, ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं. अच्छा ठीक ठीक कोई बात नहीं. चलो अभी देखो इसमें चार्ट देखिए. गुणों का परिणमन मिला तीसरा कॉलम. गुणों का परिणमन इसके नीचे लिखा है जीवत्व. ये शुद्ध पारिणामिक भाव है. जीवत्व ये शुद्ध पारिणामिक भाव है. इसके नीचे लिखा है भव्यत्व अभव्यत्व. ये अशुद्ध पारिणामिक भाव है. आपको पारिणामिक भाव की परिभाषा जो शुरू में लिखी सद्भाव और असद्भाव, कर्मों का सद्भाव और कर्मों का असद्भाव. इसे यदि सरल भाषा में कहेंगे, ध्यान से सुनना, कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहती है. क्या कहा? कर्मोपाधि निरपेक्ष, कर्मों के सद्भाव की उपाधि और कर्मों के अभाव की उपाधि. दो उपाधियां हुई. कौन कौन सी उपाधि? कर्मों के सद्भाव की उपाधि. उपाधि माने नाम उपचार. जैसे लड़की की शादी लड़के से होती है तो लड़की का गोत्र बदल जाता है, इसका नाम उपाधि. उपाधि क्या हुआ? क्यों तुम करोड़पति हो गए अरबपति? क्यों अनुज बोलो 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 ने. अरे कुछ तो बोलो, डरो मत, बोलो. कि अब देखो ये लड़का ना तो करोड़पति है, ना लखपति है, ना हजारपति है. हाँ इसका पापा करोड़पति, तो इसको भी उपाधि मिल जाएगी करोड़पति. ये करोड़पति नहीं, ये तो करोड़ रुपए कमाएगा तब तब खरे खर करोड़पति होगा. अब इसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है समझ लीजिए, कुछ नहीं. कोई बैंक अकाउंट नहीं, मैंने कुछ नहीं, तो अभी कुछ नहीं. लेकिन फिर भी ये मस्त रहता. क्यों मस्त रहता? कि पापा की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है. लेकिन ये जो जो अनुभूति है ना, ये उपाधि है. ये भाव बताने के लिए ये उपाधि है. करोड़ रुपए से अपने को करोड़पति अनुभव करना ये उपाधि है. तो कर्मों के सद्भाव से उपाधि खड़ी होती है. उपसम क्षोपसम क्षय 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 नहीं, कर्मों के अभाव में क्षय. तो कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव को पारिणामिक भाव कहते हैं. समझ गए सब लोग? याद रहेगी ये बात. अभी यहां देखिए जरा गौर से कि पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं, या दो भेद कहें तो शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक. बराबर, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक. अब बोलो जोर से. पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? दो. कौन कौन से? शुद्ध पारिणामिक अशुद्ध पारिणामिक. अब शुद्ध पारिणामिक को पहले समझा देते हैं, फिर अशुद्ध की चर्चा करेंगे. शुद्ध पारिणामिक मतलब नॉन चेंजेबल, अनादि काल से अनंत काल तक, इसलिए उसका नाम है शुद्ध पारिणामिक. और अशुद्ध पारिणामिक कैसा है? अशुद्ध पारिणामिक कैसा है समझना ध्यान से, कि भव्यत्व नाम का एक पॉइंट है इसमें. भव्यत्व, ये भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक है. देखो ध्यान से समझना ये पॉइंट. भव्यत्व ये अशुद्ध पारिणामिक है.
सम्यक दर्शन होने के बाद भव्यता का अभाव होता चला जाता है। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन हो गया छायिक सम्यक, तो श्रद्धा गुण का भव्यत्व भाव नष्ट हो गया। केवल ज्ञान हो गया तो ज्ञान गुण का भव्यत्व भाव नष्ट हो गया। मोक्ष हो गया, सिद्ध दशा हो गई, तो भव्यत्व का अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि अशुद्ध पारिणामिक है। अशुद्ध पारिणामिक में भव्यत्व नाम के अशुद्ध पारिणामिक का अभाव हो जाता है। बराबर। अब अभव्यत्व देखो, उसकी क्वालिटी अलग है थोड़ी सी। अभव्यत्व का नाश कभी नहीं होता। क्या कहा? अभव्यत्व का नाश कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, लेकिन वह उपाधि है। वह उपाधि है। क्यों? क्यों 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 कहां से आई ये उपाधि? उपाधि क्यों कह रहे हैं? अभी कर्मों की उपाधि नहीं इसमें, इसमें कर्मों की उपाधि नहीं है। इसमें आत्मकल्याण नहीं करने की योग्यता है, ऐसी योग्यता की उपाधि बताने के लिए, योग्यता समझाने के लिए अभव्यत्व कहा। समझाएंगे, फिर समझाएंगे। अभी तो मीनिंग समझ लो आप, फिर अपन इसका भाव लेंगे। फिर से एक भव्य किसको कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की योग्यता होती है, भव्य होता है वो। और जिसमें मैं आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसी श्रद्धा करने की लायकात नहीं है। पढ़ने की ताकत तो होती है, पढ़ ले, सुन ले, चर्चा कर ले भी, ओहो प्रवचन कर ले भी, लेकिन एक अमुक जाति की लायकात होती है श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की अमुक जाति की लायकात होती है, वो ये विश्वास नहीं कर पाता कि मैं भगवान हूँ। किसी भिखारी से कहो भैया तुम तो अमीर आदमी हो, तो भरोसा नहीं कर पाता। आप क्या कहते हो किसी गरीब आदमी से? तो उसे क्या लगता है आप हमारी क्यों मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो गरीब आदमी हूँ। अब उसे नहीं मालूम कि जिस घर में, जिस झोपड़ी में वो रहता है, उस झोपड़ी में चूल्हा फोड़ा जाए, जमीन खोदी जाए 4 फुट अंदर, तो अनंत रत्न भरे पड़े हैं वहां। उसे तो पता ही नहीं ना। बस इतनी फर्क है। रत्न भव्य ने भी नहीं निकाले हैं, अभव्य ने भी नहीं निकाले हैं, निकाले नहीं हैं। दोनों ही दरिद्र हैं, दोनों ही झोपड़पट्टी में रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि में इतनी लायकात है। सम्यक दृष्टि नहीं, भव्य जीव में इतनी लायकात है कि जो दिव्य पुरुष मिले हैं, ज्ञानी पुरुष मिले हैं, उनके वचनों का भरोसा करता है। आप दिव्य ज्ञानी हैं, आप वीतरागी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे आत्मा के हितोपदेशी हैं, आप अन्यथा क्यों कहेंगे? आपको हमसे राग नहीं है, आपको हमसे द्वेष नहीं है, आपको हमसे कोई स्प्रहा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप झूठ क्यों कहोगे? आपके वचन प्रमाण, बस इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ में आया कि नहीं? भगवंतों की वाणी, गुरुओं की वाणी, स्वामी जी की वाणी सुन करके अंतन में भरोसा हो जाए, ये दिव्य पुरुष झूठ क्यों कहेंगे? ये आचार्य कुन कुन स्वामी को हमसे क्या अटक थी, क्या क्या अपेक्षा थी उन्हें? इसलिए दिव्य पुरुष झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा भरोसा करता है। इसका नाम भव्यत्व गुण। अब वो भव्य विश्वास ही नहीं करता। हाँ ये कहते हैं बस, ठीक है कहते हैं, लेकिन अब ठीक है, अब कह रहे तो सुन लो भैया, बड़ों के सामने मना तो कुछ नहीं कर सकते अपन। ऐसा हो सकता है कहीं? भगवान आत्मा शुद्ध है, राग कर ही रहा है, शुद्ध है। बोलो, अशुद्ध अशुद्ध पर्याय निकले तो द्रव्य अशुद्ध हुआ कि शुद्ध हुआ? कितना कॉमन सेंस की बात है। राग निकले तो द्रव्य कैसा हुआ? रागी हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, जो जीव का परिणाम पाप रूप हो तो पापी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ठीक है, भगवान कह रहे हैं, ठीक है कहने दो, कोई बात नहीं, मन भरोसा नहीं करता। अभव्य को इसको कहना, अभव्य किसको कहना? जो भगवंतों की वाणी, मैं ये भरोसा नहीं कर पाता कि मेरे घर में अनंत रत्न पड़े हुए हैं, ये भरोसा नहीं आता। बस इतनी भरोसा नहीं आता, इतनी सी कमी रह जाती है, इसका नाम अभव्य। बाकी पूरा का पूरा भगवान है, भूलेला भगवान छे देखो गजा, पूरा का पूरा भगवान। अपन इस बात से खुश हो जाओ, खुश हो जाओ कि हमें ये बात स्वीकार हो रही है।
इस कली काल में, इस भौतिकवाद की आंधी में, जहां चारों तरफ विषय भोगों की आंधी चल रही है, वहां हमें समझ में आ रही है बात, प्रसन्न हो जाओ। ओहो हो, दृष्टांत दूं, दृष्टांत लंबा नहीं देना चाह रहा, छोटा ही देना चाह रहा हूं, लंबा नहीं करना चाह रहा, लेकिन समझ लेना लंबा करके आपस में बताओ। एक लड़का लड़की देखने गया, लेकिन ऐसी रोतली शकल लेके गया, रोतली समझ गए, उतरी हुई शकल, दुखी दुखी सा, उदास उदास, डिप्रेस, क्यों कि अभी तक उसकी सगाई शादी नहीं हुई, वो 30 साल का हो रहा है, शादी नहीं हो रही, तो डिप्रेस है बेचारा। तो अब जो भी लड़की सामने आए उसकी शकल देख के ही ना पाड़ दे, तो मित्रों ने उसे ट्रेनिंग दी कि देख तुझे शादी करना है कि नहीं करना है, कि करना है भैया, इसीलिए तो परेशान हो रहा हूं, तो एक काम कर, हंसता हुआ मुख होना चाहिए, प्रसन्न मुद्रा, क्या बोलते हैं, हंसते मोड हुए, तुम्हारा चेहरा एकदम प्रसन्न होना चाहिए। तो उसने कहा भैया मैं प्रसन्न तो तब हूं जब मेरी सगाई शादी हो, समझा रहे कुछ, मैं दुखी तो हूं इसलिए कि मेरी सगाई शादी नहीं हो रही है, मैं दुखी तो अब हां कर दे तो मैं खुश हो जाऊं। तो मित्रों ने समझाया भैया तू प्रसन्न हो तो वो हां करे, और जे कह रहा है कि वो हां करे तो मैं, समझ में आया कि नहीं आया। हा हा, ऐसे ही भव्य कौन है कहवाए जो मैं प्रभु हूं ये बात सुनते से जिसका चेहरा खेल जाए, अपने परमेश्वर पने का विश्वास। स्वामी जी को एक रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, उसमें गुरुदेव से तत्व चर्चा की रिकॉर्डिंग है या इंटरव्यू की है, देख लेना आप, इंटरव्यू या एक मैंने देखी थी, बहुत साल पहले देखी थी, करीब 85 में देखी होगी मैंने, बहुत साल हो गए उसको। मुझे इतना रोमांच हुआ उस उत्तर को सुनकर के, स्वामी से एक प्रश्न पूछा, साहेब सम्यक दर्शनों सहलो उपाय सूच है, समझ आ गया, तो प्रश्न एकदम ऑर्डिनरी है, कितना ऑर्डिनरी है, लेकिन स्वामी ने क्या उत्तर दिया, अपनी प्रभुता का विश्वास इस सम्यक दर्शन, इतना इतना उत्तर दिया, बस इससे ज्यादा उत्तर नहीं दिया, बात खत्म हो गई, दूसरा प्रश्न शुरू, अरे बस अपनी प्रभुता का विश्वास, अपने अकर्तत्व का विश्वास। मैं रात को सोच रहा था, आप लोग प्रभुता के नाम पर क्या हो समझ नहीं पाते, प्रभुता माने क्या होता है, प्रभुता माने ये प्रभु बैठे हैं, ये प्रभुता नहीं, प्रभु प्रभु माने भगवान की मुद्रा, ये नहीं, आप भी ऐसी प्रभुता देखने लगो, इमेज करने लगो, कल्पना, ये नहीं, प्रभुता का अर्थ कोई आकार प्रकार नहीं है। प्रभुता किसको कहते हैं, पढ़ना आप 47 शक्ति में प्रभुत्व शक्ति, और स्वामी जी का प्रवचन पढ़ना उसमें, मैं तो आपको बता रहा हूं, सुन लो अच्छी तरह से, याद रखना ही भाव को, भाव को याद रखना, शब्द नहीं, भाव, प्रभुत्व माने फुल्ली कंप्लीशन ऑफ सब्सटेंस, पूर्णत्व, पूर्णत्व द्रव्य की पूर्णता, द्रव्य की पूर्णता, इसका नाम प्रभुत्व। क्या बोला, फिर से बोलो, क्या कहा, जोर से बोलो, द्रव्य की पूर्णता, द्रव्य की पूर्णता, इसका नाम प्रभुत्व है। प्रभुता का अनुभव करो, अपनी प्रभुता का अनुभव करो, माने अपनी पूर्णता का अनुभव करो। पूर्णता का क्या मतलब, पूर्णता का क्या मतलब, द्रव्य पूरा है, बताइए कोई कमी हो द्रव्य में, जीव द्रव्य में कोई कमी हो तो कोई कमी नहीं, गुण में कोई कमी है, नहीं कमी है। अब पर्याय की बात है, पर्याय में सुनना ध्यान से, पर्याय में कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमी उसे कहते हैं जो अपनी कमी दूर ना कर सके। क्या कहा, फिर से बोलो, पर्याय में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि कमी तब कहलाती है जब वो अपनी कमी दूर ना कर पाए, लेकिन कारण शुद्ध पर्याय पड़ी होने से पर्याय अपनी पर्याय दूर करने की सामर्थ्य रखती है, इसलिए पर्याय पड़े पण पूरा, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, सर्व भाव से पूरा, हानि न होवे, वृद्धि न होवे, दिखे सदा ही पूरा।
समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो बोलो। पर्याय अपनी कमी स्वयं दूर कर लेती। कल केरी का दृष्टांत दिया था परसों, केरी अपनी कमी खुद दूर करती है, तो कमी नहीं है वो। वो इतनी सी कैरी लटकी हुई है, वो कमी नहीं है, तुम उसे छेड़ते हो ये कमी है। तुम समय से पहले तोड़ो, ये तुम्हारी कमी है। कैरी में कोई कमी नहीं है, विश्व में एक भी द्रव्य में कोई कमी नहीं है, विश्व में एक भी गुण में कोई कमी नहीं है, विश्व की एक भी पर्याय में कोई कमी नहीं है। समझ में आ रहे हैं? अब तो समझ में आए। मैं दृष्टांत दूं, एक इतने से बच्चे का जन्म हुआ, होता तो इतने से ही, इतने से का जन्म हुआ। अब मैं पूछता हूं, इसमें कमी है कि पूर्णता है? बोलो बोलो अनुज, क्या कह रहे थे तुम? कमी है कि पूर्णता है? पूर्णता कहां है? कमी है, इतनी इतनी सी नाक है, दांत तो है ही नहीं उसके अभी। बोलो, और मूछें भी नहीं है अभी, ये भी नहीं है, दाढ़ी भी नहीं है। बोलो बोलो, कितनी कमी है अभी? बोलो बोलो ना। आप इतने से बच्चे को देखकर कभी कोई कहता है कि अधूरा है बच्चा, अपूर्ण है बच्चा? कहता है कोई बच्चे में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। ओ हो, तस समय माने इस समय इसकी मूछे नहीं होती, यही इसकी पूर्णता है। तस समय की योग्यता, यही उसकी पूर्णता है। क्या कह रहे हैं? तस समय की योग्यता, यही उसकी। हा 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 पहले गुणस्थान में बोलो, पहला गुणस्थान पूरा होता है कि अधूरा होता है? बोलो सालीन, वो पूरा कैसे हो जाएगा? मैं कहता हूं, यदि पहला गुणस्थान अपने आप में पूरा नहीं हो तो उसे पहला गुणस्थान कहेगा कौन? शिशु शिशुपने से, तस समय की योग्यता समझा रहे हैं, शिशु शिशुपने से पूरा है, युवा युवापने से पूरा है, प्रत्येक गुणस्थान अपने अपने स्वतः समय की योग्यता से पूरा है। द्रव पूरा, गुण पूरा, पर्याय पूरी है। अब बोलो ये पर्याय में क्या कमी? इसका नाम है जो जान दी अरहंतम दबत गुणत पजयते हिम सो जान दिया पाणम। अपाण माने आत्मा को, आहा, उसका मोह लय को प्राप्त हो जाता है, क्षय को प्राप्त हो जाता है। अब जितने लोग प्रसन्न हो गए वे भव्य हैं। और अभी भी ऐसे बैठे हैं, कहते ही रहते हैं, भैया बड़ी बड़ी बात है, ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये तो पंडित हैं, ये तो स्पेशल हैं, ये तो ब्रह्मचारी हैं, ये तो बस खत्म। मैंने ऐसी बात है कि क्या कहूँ, दृष्टांत आपको बताओ। माँ भाग से मुंह खुला आपका, और ऊपर से प्योर शुद्ध रसगुल्ला टपके, और झट ऐसा लग जाए तो इनके लिए है, ऐसा सरकार ये तो इनके लिए है। अरे तेरे लिए है, तेरे मुख के साइज का है, और तेरे ही ऊपर गिर रहा है, तेरे ही मुख में जा रहा है, नहीं ऐसा सरकार देता है, ये तो इनके लिए है। हमारे भाग ऐसे हो ही नहीं सकते। गजब है। आहा, प्रभु तो पूरा है, भगवान है। ये दे नहीं रहे, ये पैकिंग मत देख, ये पैकिंग मैकिंग ऊपर ऊपर मत देख, अंदर देख। हा, अब आपको आनंद आएगा, स्वामी जी के प्रवचन पढ़ पढ़ के आनंद आएगा। भगवान ज्ञान आनंद शांति नो सागर। कौन हूँ? पूछू चले तो भव्य की पहचान क्या है? कि उसको ज्ञानी के वचनों के माध्यम से भरोसा आ जाता है, और अज्ञानी को जी के तक दिखाओ तो पहले, हम तो अभी विश्वास कर लेंगे, आत्मा दिखाओ तो जरा। जब जाने राग ना हो, आत्मा शुद्ध शुद्ध कर रहे, जब जाने राग नहीं हो, मूर्ख को समझ में नहीं आता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब मैं दो तरह की बातें कर रहा हूँ, भव्यत्व पारिणामिक भाव है, भव्यत्व ये पारिणामिक भाव है, अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है। पारिणामिक क्यों है? क्योंकि कर्मोपाधि निरपेक्ष योग्यता है। अशुद्ध परिणामी क्यों है? क्यों क्यों? क्योंकि ये जीव नहीं है, द्रव्य नहीं है। समझ में आया कुछ? फिर से परिणामी क्यों है? ये कोई कर्मोपाधि सापेक्ष योग्यता नहीं है, किसी ने बनाई नहीं, ये भव्य है ये अभव्य है, ये किसी ने बनाया नहीं है, किसी ने अलॉट नहीं किया है,
ये जीव का कल्याण नहीं होगा, इसका हो जाएगा, ये किसी ने करा नहीं है। ये नेचुरल एक योग्यता ऐसी होती है। अभी यहाँ पर बहुत सारे यही प्रश्न आते हैं, अब विचार उनका क्या होगा। अरे होगा कुछ, अब तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम तो तुम्हारी बोलो, बस तो खुश हो जाओ, दुनिया की चक्कर छोड़ो। माने एक एक समय वो प्रागभाव प्रधान स्वभाव समझा ना, वो ऐसे रसगुल्ला सरकाने वाली बातें हैं। वर्तमान पर्याय को, वर्तमान आनंद को, वर्तमान ज्ञायक देखने की बजाय हम भूत भविष्य के देखते रहते हैं। बस बिल्कुल नहीं देखना, अपन भव में बस आनंद करो। और सब नहीं हुए तो अरे तो अभी आनंद करो, नरक जाएंगे जब जाएंगे, अभी तो मत रो, अभी तो नरक क्यों कर रहे हो। और ऐसा जीव प्रसन्न रहने वाला अभव्य नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी योग्यता ही नहीं ना ऐसी। अभव्य में ऐसी योग्यता नहीं है कि भगवान आत्मा की बात सुने ना प्रमोदित हो जाए, होता ही नहीं। चेहरा खिलता ही नहीं उसका, अंदर अंदर भाव पकते ही नहीं उसको, वो डाइवर्ट करता रहता है, डेविएट करता रहता है, ऐसे ऐसे इंग्लिश में उसको डेविएशन कहते हैं, विचलित करता रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। आगे समझ में आया, अब आगे चलो। फिर से भव्यत्व जीवत्व पारिणामिक के कितने भेद हैं, दो, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक। शुद्ध पारिणामिक माने जीवत्व। अब जीवत्व की चर्चा कर रहे हैं, सच्ची बात कहें तो जीवत को स्वीकार नहीं करता ये अभव्य, और जीवत को स्वीकार करता है ये भव्य। देखो देखो इधर देखो, शुद्ध पारिणामिक और अशुद्ध पारिणामिक, क्या कहा, शुद्ध पारिणामिक अशुद्ध पारिणामिक, भव्यत्व अभव्यत्व। शुद्ध पारिणामिक को स्वीकार करे तो भव्य, अशुद्ध पारिणामिक को स्वीकार नहीं करे तो अभव्य। याद रह जाएगी, हो निपट गया हमारा काम, समझ में आता बेटे। देखो एक नेचुरल एबिलिटी होती है, एक योग्यता ही होती है किसी जीव की। जैसे कोई बच्चे को मीठा भाता है और किसी को नमकीन भाता है और किसी को नींबू बहुत भाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, मिठाई दे दो और चौक मिट्टी दे दो, मिट्टी मुल्तानी मिट्टी चौक कोई, तो चौक को मुँह डालता है वो नेचुरल ऐसी उसकी योग्यता ही है। वो भोजन की पार्टी होती है डफर पार्टी, तो उसमें सब अपने अपने जगह पहुंच जाती हैं, सब सब जिसको ये खाना हुए ना वो क्यों वो है कि नहीं वो स्टॉल है कि नहीं, तो वो वहाँ पहुंच जाता है। मिठाई वाले मिठाई की तरफ पहुंच जाते हैं, जिनको पूरी सब्जी खानी है वो पूरी सब्जी की तरफ पहुंच जाता है। ये कोई ने करा नहीं है, एक स्कूल में एक जैसी ड्रेस, एक जैसे स्टूडेंट, एक जैसे न्यू है, सारे के सारे न्यू एडमिटेड हैं, लेकिन पता नहीं कैसे योग्यता वाले अपनी दोस्ती बना लेते हैं। योग्यता योग्यता वाले पढ़ने लिखने वाले पता नहीं कब पांच छह की दोस्ती हो जाती है, और बंक मारने वालों की, वो बंक मारने वालों की उनकी दोस्ती हो जाती है, और खाने पीने वालों की वहाँ हो जाती है, गाली देने वालों की वहाँ हो जाती है। ऐसे जीव ऑटोमेटिक अपनी दोस्ती गांटता है, सेलेक्ट कर लेता है। ये भी एक योग्यता है, योग्यता है। आप उसे कहो बेटे इनकी दोस्ती नहीं करना, इनसे कर लो, वो नहीं करेगा। ऐसे ही जीव में एक योग्यता है, जिन्हें मोक्ष जाना है वो सिमटते चले जाते हैं, दोस्त बनते चले जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। समझ में आ रहा कुछ नहीं, समझाओ। देखो आदिनाथ भगवान का पुराण पढ़ना, दस भव पहले वो पहले 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 सब पढ़ना पूरा पूरा, कब से इकट्ठे हो रहे हैं उनके 84 गणधर, पहले से इकट्ठे हो रहे थे। उनकी पत्नी गणधर बनी, उनके भाई गणधर बने, उनके मित्र गणधर बने। पढ़ना पुराण कब से, जब वो श्रीमती का जीव थे और कहाँ उन्होंने मुनिराज को आहार दान दिया था, फिर उनके दो संगाती थे, मत चार पशु बैठे हुए थे, पक्षी बैठा था, वो नेवला बंदर, वो सब गणधर बने मुनिराज को आहार दान वाले, मालूम है सबको कि नहीं। जब वो श्रीमती का जीव थे आदिनाथ भगवान, श्रेयांश श्रेयांश वगैरह, वे सब कहाँ पहले से, हो वो श्रेयांश राजा था ना, वो श्रीमती का जीव था और आदिनाथ भगवान उस समय उनके पति थे। वहां से ये कहानी चल रही लंबी चौड़ी, पढ़ना आप। और बेसब आखिर में आकर के गड़धर हुए। स्वामी जी ने एक बार ये बात कही थी, सबको बड़ा प्रमोद हुआ था। अपने को मालूम है
अपन जितने लोग स्वामी जी की बातें सुन रहे हैं, चर्चा वार्ता कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, छट छट करके सब स्वर्ग में इकट्ठे होंगे, फिर वहां से ऐसे आएंगे और फिर समोसरण में होंगे, तो ना मालूम कौन हम में से गड़दर होगा, कौन आचार्य होगा, कौन उपाध्याय होगा, कौन साधु होगा, कौन सम्यक दृष्टि होगा, और एक दिन यही सिलेक्टेड जीव छटते 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 मोक्ष में चले जाए। क्यों? मैंने दृष्टांत कहां से लिया? स्कूल, स्कूल के सारे बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार, अपने हॉबी के अनुसार, अपनी पसंदगी के अनुसार इकट्ठे होते चले जाते हैं। ऐसे अपने को तत्व चर्चा पसंद आती है तो कोई नहीं पूछता कि तुम दस्ता उमड़ हो कि बिस्सा उमड़ हो कि श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो कि तारकबासी हो, ऐसा प्रेम हो जाता है बिल्कुल जोरदार, कोई किसी की जात पात नहीं पूछता। बोला विदेश में, देश में अभी भी एक से एक जीप पकड़े हैं मैं देखता हूँ, विदेशों में भी, भले अपन विदेश जाने की बात करते वो एक जुदी बात है, लेकिन वहां जाकर के भी जिन जीवों की योग्यता है वो वहां समय निकालते हैं। एक वैष्णव भाई, वैष्णव भाई अमेरिका में, और उसे इतना बिजी शेड्यूल है लाइफ का, तो मालूम वो क्या करता है, पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके प्रवचन सार जी का स्वाध्याय करता है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके, मैंने वहां टाइम निकाल के वहां पढ़ता है, उसे मालूम घर पहुंच जाऊंगा तो वहां नहीं करने देंगे कोई, और ऑफिस में पहुंचूंगा तो वहां नहीं करने देंगे, वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके प्रवचन सार जी का नोट्स बनाए उसने, और सारे नोट्स राजकोट भिजवाए अपने पिताजी को चेक करने के लिए कि मैंने ये बनाए हैं और स्वामी जी की कैसेट सुनता हूँ, और रोज दो तीन घंटे चार घंटे जितना समय निकालता हूँ ऐसे खींच खींच के समय निकालता हूँ। तबीयत खुश हो गई देख करके, और वैष्णव है, गुरुदेव श्री को देखा नहीं उसने, ऐसे कहाँ कहाँ जीप पक रहे हैं, आने अपने होश नहीं है। आगे समझ में आया क्या कह रहे हैं, क्या बात चल रही थी? ये सारे जीव अपने भव्यत्व योग्यता के कारण सिमटते चले जाते हैं, उसको आप उल्टे उसमें भी पहुंचा दो ना, उनकी दोस्ती उनसे करा दो, होटल वालों से, फाइव स्टार वालों से, फाइव स्टार होटल पिकनिक पार्टी करने वालों से, तो वहां जाकर के जाना भी पड़े तो उसे मुंझबड़ होती है, ऐसे लगता अरे कहाँ गए भैया, अरे कहाँ गए। उसे आप टीवी के सामने भी बिठा दो प्रवचन के टाइम तो उसे प्रवचन की याद आती है, अरे यार कहाँ बिठा दिया, हमारा टाइम खराब कर दिया भैया, आगे तो भविष्य में हमें नहीं शादी सगाई के चक्कर में पड़ना, जी कौन इनके जाओ उधर जाओ ट्रेडिशनल फंक्शन हमें नहीं जाना भैया, वहाँ बैठे बैठे भी वहाँ बैठे बैठे भी ऐसा करता है, और किसी को ज़बरदस्ती यहाँ ले आओ तो ऐसे सिर झुकाए बैठ जाता है, बस भगवान भगवान करते हैं, अरे अभी तो इंसान बनने दो अभी खाना पीना तो सीखने दो, चना पानी तो सीखने दो, फला तो सीखने दो, और आलू तो छोड़ने दो, मैं तो भैया पहले 10-25 साल अंजन चोर जैसे पाप करूँगा और फिर कुछ होश नहीं बेचारे को, फिर क्या करेगा। आगे समझ में आए भैया, ऐसे अभव्य जीवों की निशानी बनती है। अब इसमें मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, नहीं तो आप दुखी हो जाओ, हो सकता है हमारे भाव भी ऐसे रहे हो सकता है अभी भी ऐसे जीव दिखाई दें, तो आप उन्हें अभव्य नहीं मान लेना। क्या? क्योंकि भव्यत्व भाव प्रकट होने का भी समय है। क्या कहा? भव्यत्व भाव प्रकट होने का भी एक समय है, वो भाव प्रकट होने के समय में प्रकट होता है, उसके पहले उतनी प्रसन्नता नहीं आती, चित्त प्रसन्नता सुनने में, पढ़ने में, देखने में, विचारने में उतना नहीं आता, धीरे 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 वो आता है, और एक दिन वो ही जीव भगवान बन जाता है। इसलिए ये भी टेंशन नहीं करना अपने बारे में भी और दूसरे के बारे में भी। मैंने तो केवल इतना कहा, यदि तुम्हें एक बहुत सुंदर बता सकते भैया, स्वामी जी इस गाथा को गाते थे, बहुत सुंदर है, मैं गाऊंगा तो आप भी गाने लगोगे, भव्य की एक निशानी वाली गाथा है, सुनाओ, पद्मनंदी पंचम विंशति गा की है, बोलो, तत्प्रतिप्रीति चित्तेन एन वार्ताप ही श्रुता, तत्प्रति, अब तत्प्रति क्या होता है, तत्प्रति माने तो सर्वनाम हुआ, तत्प्रति माने तो सर्वनाम हुआ है, हिंदी में ग्रामर में प्रोनाउन हुआ ये था, तो तत्प्रति माने कौन, कौन के प्रति, उसके प्रति, तत्प्रति माने उसके प्रति, तो उसके प्रति माने कौन के प्रति, सही कहूं, ये प्रवचन में अर्थ केवल गुरुदेव ने खोला, मैंने अभी तक किसी से इसका अर्थ नहीं सुना था तत्प्रति का, हम तत्प्रति को खा जाते थे, जे सोचते थे प्रवचन हंसते मुख सुनो बस भव्य,
सा भवेद भव्यो, सा भवेद भव्यो वह नियम से भव्य है, भावी निर्वाण भाजनम, भावी निर्वाण का पात्र है। ये भव्य आ गया इसमें, भवेद भव्यो भव्य है वो जीव। तो हम बड़े प्रसन्न होते थे, हम भी जब प्रसन्न प्रवचन सुनते तो खूब प्रसन्न होकर सुनते थे, क्यों कि प्रसन्न होकर सुनने में अपन मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन इसका भ्रम मेरे 10 साल पहले मिटा भी, जब मैं स्वामी जी की सीडी सुनी उसमें उन्होंने अर्थ किया तत्प्रति माने क्या। अब सुनना तत्प्रति, सुनना होगे तत्प्रति माने भेद के प्रति नहीं, पर्याय के प्रति नहीं, गुण भेद के प्रति नहीं, छायिक भाव के प्रति नहीं, केवल ज्ञान के प्रति नहीं, सम्यक दर्शन के प्रति प्रीति नहीं। फिर से बोलूं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, प्रीति चित्त से तत्प्रति प्रीति, तत्प्रति प्रीति माने सम्यक दर्शन के प्रति प्रीति चित्त से नहीं, केवल ज्ञान के प्रति प्रीति चित्त से नहीं, गुण पर्याय शक्ति भेद इसके प्रीति से नहीं, तो काय की प्रीति से। अवे ध्रुव ज्ञायक भगवान पारिणामिक भाव हो उसकी प्रीति पूर्वक सुने। समझाना पड़ेगा मुझे, ऐसे नहीं काम चलेगा, नहीं तो समझा दो साली, समझ में आ रहे हैं। देखो भेद की चर्चा चले तो उसे भेद की प्रीति नहीं होना चाहिए, भेद की प्रीति वाला भव्य नहीं है। हमारी तो मजबूरी, हम गुणस्थान का वर्णन करेंगे, 14 गुणस्थान, 7वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान हम तो करेंगे, लेकिन उसे गुणस्थान की प्रीति नहीं होना चाहिए। इसका नाम है तत्प्रति प्रीति। तत्प्रति समझ गए, उसके प्रति प्रीति। कौन उसके प्रति? वो पारिणामिक भाव, वो ध्रुव भाव। अभी पारिणामिक किसको कहा था हमने, प्रभु किसको कहा था? पूर्णता, द्रव्य गुण पर्याय से पूर्ण, अपनी पर्याय की कमी दूर करने में समर्थ। उसे अपनी पर्याय की कमी दूर करने के लिए भी बाहर कहीं झांकने की जरूरत नहीं है, इसका नाम पूर्णता। ऐसी पूर्णता के प्रति प्रीति पूर्वक सुनने वाला भव्य है। समझ में आ रहा है बेटी? कठिन लग रहा है ना? अपनी पूर्णता, पूर्णता समझ गए, अपनी पूर्णता के प्रति, द्रव्य स्वभाव के प्रति प्रीति पूर्वक सुनने वाला। अभेद की प्रीति, भेद की नहीं, मजबूरी है, भेद से अभेद को बताते हैं, भेद से अभेद को बताते हैं, तो भेद की प्रीति नहीं करना। देखो मैं समझाता हूं आपको, समझ में तो आ नहीं रहा, चेहरा ये बता रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, दृष्टांत दिए बिना काम नहीं चलेगा, है ना। देखो एक दृष्टांत दूं, दो दे दूंगा, कोशिश करूंगा, पहले एक देता हूं। आपको शादी करना है तो लड़की पसंद आना चाहिए, तो लड़की के प्रति प्रीति है ना, लड़की के प्रति, आपको लड़की चयन करना है तो लड़की के प्रति प्रीति, बराबर। लेकिन अब कैसे प्रीति उत्पन्न हो लड़की के प्रति, शादी के पहले लड़की के प्रति प्रीति कैसे उत्पन्न हो, तो फिर उसको लड़की के गुण बताए जाते हैं, माने भेद करके बताया जाता है। लड़की अभेद है, लड़की अभेद है, उसके सारे टैलेंट अभेद हैं, बराबर। उसका रंग, उसका रूप, उसकी पढ़ाई, उसकी लिखाई, सब लड़की के साथ अभेद है। अब एक एक करके समझाते हैं, तो ये पसंद आना चाहिए, ये पसंद आना चाहिए। अब देखो मैं सरल दृष्टांत ले, अब आप लड़की देखने गए तो आप सबसे पहले आप डाइनिंग, क्या कहलाता है, ड्राइंग रूम, बेटिंग रूम, जो भी कुछ होगा आपका, वो उधर बैठ जाते हो आप जाके। तो अब वो लड़की तो आराम से आएगी, 10-15 मिनट, एकदम थोड़ी जाएगी कोई, एकदम तो आएगी नहीं, 10-15-20 मिनट बातें करेंगे, फिर वो नाश्ता लेके आएगी। तब तक जब तक वो नहीं आई तो लड़का क्या देखता रहता है, अच्छा जी ड्राइंग उसी ने बनाई है, तो बड़े गौर से देख रहा है, बड़े गौर से, क्योंकि उसे ड्राइंग पसंद आ गई। क्यों देख रहे हैं, क्या देख रहा है वो, क्योंकि उस ड्राइंग पर उसी लड़की का नाम लिखा है जिसे देखने आया है। बताओ उसे ड्राइंग दिखाई दे रही है कि नाम दिखाई दे रहा है, कि कलर एंड फेयर पेंटिंग दिखाई दे रही है, या उसे लड़की का एक व्यक्तित्व झांकता दिखाई दे रहा है। ओहो, इतनी बारीकी से पत्तियां बनाई हैं वृक्ष की, गजब। तो टैलेंट पर फायदा हो रहा है, माने उसे ये पसंद आ रहा है कि ये पसंद आ रहा है,
अब सुनो, अभी भी लड़की नहीं आई लेकिन नाश्ता आ गया, रसगुल्ला खाते सी पसंद आया, क्या पसंद आ रहा है, नाश्ता पसंद आ रहा है ना, बोलो ना। और फिर वो लड़की का जो पापा बैठे थे ना, वो क्या बताएं भैया, आज इसकी माँ बीमार है, किसकी बीमार है, तो वो थोड़ा आप क्षमा करना, देर लग रही है, उसी ने नाश्ता तैयार किया है सब, अभी अभी दो तीन दिन से इसकी माँ बीमार है, तो ये इसी ने सब किया है। ऐसा सुनने पर रोमांच कैसा बढ़ जाता है, क्यों खाने पीने का, यदि रसगुल्ला बहुत पसंद आया लेकिन उन्होंने कहा ये तो इसकी माँ ने बनाया है, वो जो पोहा ये हलवा ये बाजार से आया है, तो खाता तो है लेकिन क्यों, क्या हो गया, बोलो। अब लड़की उसकी मार्कशीट टंगी हुई इधर, गोल्ड मेडल, सही बताओ, यहां से टकटकी लगा के गोल्ड मेडल की मार्कशीट देख रहा है, फर्स्ट रैंक, क्या दिख रहा है उसे, पंडित जी आप समझते नहीं हो, उसका एकमात्र टारगेट इस समय लड़की है, इसको हम कहेंगे तत्प्रतिप्रीत चित्तेन, वो जो कुछ देखता है उसे वही दिखता है। ऐसे ही हम गुणस्थान देखते हैं तो भी हमें ध्रुव ज्ञायक दिखाई देता है, हमें गुण भेद दिखाई बताते हो तो भी ज्ञायक दिखता है, आप पर्याय शुद्ध अशुद्ध की चर्चा करते हो तो भी हमें ज्ञायक दिखता है, तुम्हें जो कहना हो कहो, लेकिन हमें तो एक भगवान आत्मा दिखाई देता है, इसका नाम ये है भव की निशानी, काय की निशानी, आहा, तुम विकल्प भी कहोगे तो हमें ऐसा लगता है विकल्प मिट जाएंगे, इनमें दम क्या है, हम तो भगवान है, बोलो हैं, आहा, अब समझ आ गए तत्प्रति प्रीति। अब मुझे तो मालूम ही नहीं कि कहाँ होगा, अब पढ़ लेना, मैंने नाम बता दिया ग्रंथ का, स्वामी जी का प्रवचन सुनना, ऐसे खिलते स्वर का प्रवचन है, एकदम मजा मजा हो जाए बस। तत्प्रति प्रीत चित्तेन, समझ में आया भैया की दृष्टांत बहुत है, मुझे लग रहा काम हो गया। चाहे चारों योग पढ़ो लेकिन तत्प्रति प्रीति, क्या कहा, तत्प्रति समझ गए, तत्प्रति माने कोड वर्ड, सर्वनाम है, पता नहीं लगता था। मैं सच कहता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम पड़ता था, मैं तो ये सोचता था बस प्रवचन सुनो हंसते हुए प्रसन्न रह के तो भव्य है बस, लेकिन जब स्वामी जी ने अर्थ खोला तत्प्रति प्रीति माने वो सभी ध्रुव ज्ञायक भाव के प्रति प्रीति, गुणस्थान मारण स्थान नहीं, शुद्ध पर्याय नहीं, अशुद्ध पर्याय नहीं, अन्य के प्रति प्रीति नहीं, अशुद्ध पर्याय के प्रति प्रीति हो सकती किसी को, हो सकती है, होती है, मिथ्या दृष्टि को अशुद्ध पर्याय के प्रति भी प्रीति होती है, अपन अच्छी अच्छी बात बता तो वो कहता है राग भी तो है, द्वेष भी तो है, कसाय भी तो है, पहला गुणस्थान भी तो है ही नहीं क्या, अभी अभी प्रवचन चल रहा था स्वामी जी का, पर्याय द्रव्य साम्य अवस्तु छे, द्रव्य पर्याय माटे अवस्तु छे, क्या मतलब जी, हमें दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, ओहो शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय हमको दिखती ही नहीं है, इसका नाम प्रीति। अपना छोकरा हो तो प्रीति बहुत होती है ना, तो उसकी गलतियां भी माँ को नहीं दिखती, कोई कहे भी तो है तो छोकरा है वो छोटा सा है, रोने दो कोई बात नहीं, रोना भी उसका गुण है, वो उसे बुरा नहीं लगता, दूसरे का बच्चा यदि ढंग से भोजन नहीं करे तो बुरा लगता है, और अपना बच्चा दिन भर में 10 बार भी पोटी करे तो भी बुरा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, पोटी तो समझते होंगे। अपना बच्चा 10 बार मलमूत्र छोड़े तो भी बुरा नहीं लगता, क्यों, क्यों बोलो, क्या उसके प्रति प्रेम है, सुनो ऐसे हमें अपने भगवान आत्मा से प्रेम है, हमें मोह राग द्वेष भी बुरा नहीं लगता, जा। हमें अशुद्ध पर्याय भी बुरी नहीं लगती, हमें राग द्वेष भी बुरे नहीं लगते, नहीं लगते, हाँ नहीं लगते, जा नहीं लगते, क्यों, क्योंकि भगवान आत्मा से प्रेम है, पोटी का क्या है, सफाई हो जाएगी, लेकिन बच्चा तो हमारा है, ऐसी भगवान आत्मा रह जाता है और रागादिक परिणाम चला जाने वाला है, इसलिए हमें रागादिक परिणाम होने पर भी रागादिक के काल में भगवान से अप्रीति नहीं होती। फिर से बोलो, क्या बोला सालिन, बोलो, रागादिक के काल में, मोह के काल में हमें भगवान आत्मा से अप्रीति
नहीं होती। आ हा। सम्यक दृष्टि के आठ अंगों में एक अंग है निर्विचिकित्सा अंग, ये निर्विचिकित्सा अंग है। कैसे ही भी अशुद्ध पर्याय हो जाए लेकिन भगवान आत्मा से प्रीति नहीं घटती नहीं मिटती, इसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है सम्यक दृष्टि का। और अपने ही मोहराग दृष्टि से अपने से घृणा करने लगे तो दूसरों से तो प्रेम कैसे करेगा, दूसरों के दोष उत्पन्न होने पर उस आत्मा से प्रेम कैसे करेगा, वो निर्विचिकित्सा अंग प्रकट नहीं हो सकता। बराबर, अपन फैलने नहीं हो, आगे चलो वापस। फिर से भव्यत्व परिणामी भाव के कितने भेद, दो। कौन कौन से, शुद्ध परिणामिक और अशुद्ध परिणाम। अब शुद्ध परिणामिक की चर्चा शुरू करें, अशुद्ध तो हो गया पूरा। अशुद्ध देखो जीव तो परिणामिक, ध्यान से सुनना मैंने अभी तक क्या बोला था आपको, जो कुछ बोला वो तो सुन चुके आप, एक पॉइंट और सुनो। जीवत परिणामिक इन दोनों में होता है, कौन में होता है, इन दोनों में। लेकिन 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 अभव्य में भव्यत्व नहीं होता और भव्यत्व में अभव्यत्व नहीं होता, इसलिए जी अशुद्ध है। पॉइंट पकड़ में आया कुछ, क्या कहा, क्या बोलो, भव्यत्व में अभव्यत्व नहीं है, अभव्यत्व में भव्यत्व नहीं है, इसलिए जी अशुद्ध हैं, इसलिए ये अशुद्ध हैं। लेकिन जीवत्व तो विश्व के सारे जीवों में पाया जाता है, इसलिए वो शुद्ध परिणामिक है। बराबर, समझ में आया। अभी शुद्ध परिणामिक तीन, ये चर्चा स्पष्ट हो गई तो आगे चलो। अब इस शुद्ध परिणामिक की चर्चा विस्तार से करना है, ध्यान से सुनना। जीवत्व ये शुद्ध परिणामिक है, बराबर, लेकिन अन्य पांच द्रव्यों से जुदा करने के लिए, अन्य पांच द्रव्य भी परिणामिक हैं, अन्य पांच द्रव्य भी परिणामिक हैं, उनसे जुदा करने के लिए जिनवाणी में इसको परम परिणामी भी कहते हैं। परम, परम माने विशेषण, परम माने सर्वोत्कृष्ट, जैसे अपन बोलते हैं परम उपकारी, परम कृपाणु बोलते कि नहीं बोलते। तो ये परम विशेषण काय को लगा दिया कि ये जो जीव है ना, जीव ये परम है, छह द्रव्यों में जीव सर्वोत्कृष्ट परिणामिक भाव है, याद रहेगा। पूछूंगा परीक्षा में, परीक्षा में आए नहीं भाई, ये सब तैयारी करते जाना आप। शुद्ध जीव को, शुद्ध जीवत्व को, शुद्ध परिणामिक को परम परिणामिक क्यों कहा, क्यों, क्योंकि छह द्रव्य में जो पांच द्रव्य हैं वे तो परिणामिक मात्र हैं, वे सर्वोत्कृष्ट परिणामिक नहीं हैं, सर्वोत्कृष्ट नहीं है, परम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके परिणामिक से हमें सुख नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, दर्शन नहीं होता, चारित नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा परम परिणामिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इस परिणामिक भाव के आश्रय से सर्वोत्कृष्ट, परम माने सर्वोत्कृष्ट, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय, केवल ज्ञान, मोक्ष होता है। क्या कहा, समझ में आया भैया, नहीं समझ आया बोलो, क्या बोला हमने, हाँ उपयोग लग नहीं लगा, क्या बात है, आज रात को लेट सोई थी क्या आप लोग, हम तो मजा आ रहे हैं और आप लोग, हाँ भैया बोलो क्या कहा, परम क्यों कहा, क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट, क्यों सर्वोत्कृष्ट है, कि इसके परिणामिक के आश्रय से, जीवत्व परिणामिक के आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होते हैं, केवल ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम परम परिणामिक है। फिर से सुनो, तुमको परमात्मा कहते हैं, परमात्मा का क्या अर्थ होता है, परमात्मा, परम माने सर्वोत्कृष्ट, ये विशेषण है। तो दो परमात्मा होते हैं, एक परमात्मा तो वो समझते ही हो सब लोग, ध्यान से सुनना सभी लोग, जब हम आपको परमात्मा कहें नहीं तो वो परमात्मा देखना मिथ्यात्व है। फिर से सुन लो क्या कह रही, क्या कहा, हम जब आपको कहें आप परमात्मा हो तो आप वो अरंसित दशा देखते हो, ये मिथ्यात्व है, समझ लेना। मुझे मालूम बहुत लोग गड़बड़ करते होंगे, हूं परमात्मा छू ऐसा सोच के वो देखने लगते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हूं परमात्मा छू ए नक्की करने के नाम पर आप अरण सिद्ध दशा का नक्की नहीं करना, वो तो मिथ्यात्व है, क्योंकि वो कार्य परमात्मा है, वो परिणामिक भाव नहीं है। जो जो लिखा है ना हूं परमात्मा छू, ये यहां परमात्मा माने परम आत्मा, परम आत्मा माने जीवत्व परिणामिक, शुद्ध परिणामिक,
परम परिणाम है, इसका नक्की करना। पॉइंट पकड़ में आ रहा कि नहीं आया? मैं परिणामिक भाव हूं, ये परमात्मा, तो परमात्मा क्यों कहा? सुनो, देखो यहां, देखो ध्यान से, अरहंत भगवान आत्मा है। अभी परिणामिक की बात चल रही, ध्यान रखना। चरण क्या, अरहंत भगवान कौन है? आत्मा। सिद्ध भगवान कौन है? जोर से बोलो, आत्मा। सारे जीव कौन है? आत्मा। परमात्मा नहीं, अभी वो कार्य परमात्मा है तो उनको अभी हम, हमें कार्य की बात नहीं चल रही, वो आत्मा में गए सब। लेकिन विश्व में केवल एक ही परमात्मा है, ध्यान से सुनना पूरी बात, नहीं जरा भी इधर उधर देखा तो गया काम से। फिर आपको वो, ये तो पता नहीं कभी इधर परमात्मा कहते कभी इधर परमात्मा कहते, हमें मालूम नहीं पड़ता। समझो जरा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। परम विशेषण है, परम बहुत बड़ा विशेषण है, परम माने सर्वोत्कृष्ट विशेषण। देखो, अरहंत सिद्ध भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, पर्याय शुद्ध नहीं होती, इसलिए वो हमारे लिए परम नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया? बोलो, अरहंत सिद्ध भगवान मेरे लिए परमात्मा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके आश्रय से मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता, इसलिए वो मेरे लिए परमात्मा नहीं है। ओहो हो, बोलो बेटे, मेरे लिए मैं ही परमात्मा हूं, परम परिणामिक भाव हूं, मैंने परमात्मा हूं। क्यों? क्यों? अरहंत सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा है लेकिन परमात्मा नहीं है, कार्य परमात्मा है लेकिन परमात्मा नहीं है। समझने के एक शब्द का अंतर, अरहंत सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा है लेकिन मेरे लिए परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी ओर देखने पर, अनंत काल तक देखने पर भी एक समय को भी सम्यक दर्शन नहीं होता, और अपनी ओर एक समय मात्र देखते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। क्षण भर निज रस को, सम्यक दर्शन हो जाता है, बस हो जाता है। बोलो भैया, सम्यक दर्शन कौन को देखने पर होता है? अपने परिणामिक भाव को देखकर होता है। पंचम गुण स्थान कहां देखकर होता है? सातवां छठा गुण स्थान, आठवां गुण स्थान श्रेणी मानना कहां देख के होता है? जोर से बोलो, अपनी ओर देख करके, अपनी ओर देख करके। अपना आत्मा भी नहीं, अपना आत्मा नहीं, अपना आत्मा तो गड़बड़ हो गई। अपनी ओर देखकर, मैंने परिणामिक भाव की ओर देखकर। अब मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक दर्शन से केवल ज्ञान तक तुम्हारा आत्मा तुम्हें देगा तो वो परम है कि बेपरम? बोलो, ये न्याय की बात चल रही, न्याय की, न्याय मंदिर। अभी न्याय की बात चल रही, अभी व्यवहार की बात नहीं चल। चरणानुयोग, ध्यान से सुनो सभी लोग, चरणानुयोग में उनको परमात्मा कहते हैं और न्याय मंदिर में इसको परमात्मा कहते हैं। चरणानुयोग में, प्रथमानुयोग में उनको परमात्मा कहते हैं, कर्णानुयोग में परमात्मा का स्वरूप बताया जाता है, तेरह चौदह गुण स्थान शुद्ध उपयोग सिद्ध दशा, वो कर्णानुयोग बताता है, वो परिणाम की दशा कहाँ रहते हैं अरहंत सिद्ध भगवान, वो कर्णानुयोग बताता है, वो सब फल बताएंगे, कारण बताएंगे, वो सब उधर बताएंगे। द्रव्यानुयोग में परमात्मा कितने हैं? द्रव्यानुयोग में परमात्मा कितने हैं बोलो तो, कहाँ है वो? गजब, ऐसे खुश हो जा, अरे तमे परमात्मा छो। स्वामी जी क्यों बोलते थे, अब समझ में आया कुछ? अभी अपने ऐसा लगता है जितने ऐसी ऐसी कह रहे, ऐसी 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 कह रहे, अब तो समझ गए ना इसके, इसका मतलब तो ऐसी ऐसी कह रहे हो, अपन भगवान बन सकते ना इस अपेक्षा से कह रहे, अपन भगवान बन सकते ना इस अपेक्षा से कह रहे। हाँ नहीं भैया नहीं, ओ हो हो, गजब गजब बात है। परम माने विशेषण लगाया, आपको समझ में आया कुछ? परम उपकारी, परम कृपालु, ये परम माने कोई सर्वोत्कृष्ट, परम का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट। ओहो, कोई आपके घर आए और पूरे जीवन आप उसे भोजन कराओ तो ये परम उपकार नहीं है, सारी जिंदगी कपड़े देते रहो ये परम उपकार नहीं है। लेकिन लोग व्यवहार में कहें तो आप उसे एक घर दिलवा दो, उसको बिजनेस लगवा दो, वो खुद कमाएगा, खुद खरीदेगा, खुद बनाएगा, खुद खाएगा, और फिर कहेगा भैया आज हम जो कुछ भी हैं इनका परम उपकार है। ऐसे ही
हम परमेश्वर की ओर देखें, कार्य परमात्मा की ओर देखें तो हमें पुण्य मिलता है, कार्य परमेश्वर परमात्मा की ओर देखें तो स्वर्ग मिलता है, कार्य परमात्मा की ओर देखें तो हमें संपत्ति सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन रत्नत्रय नहीं मिलते, इसलिए वो परम उपकार नहीं है। अरण सिद्ध भगवान की पूजा में परम उपकार नहीं होता, गड़बड़ तो नहीं करोगे? क्या कह रहे, अरण सिद्ध भगवान की पूजा करने से हमारा परम उपकार नहीं होता, पुण्य मिलता है तो फिर पाप की छाया भी मिल जाती है। 2000 साधक से ज्यादा तो रह नहीं सकते, और 2000 साधक में भी पुण्य भोगने के लिए 1360 कितना जितना लगा लेना, 1360 उससे ज्यादा वो भी नहीं मिलेगा, करोगे क्या? प्रभु प्रभु जी तेरो अनंत उपकार। क्या अनंत उपकार है? क्या अनंत उपकार कि आपने मुझे एक अनुपम गायक बताया। प्रभु आपने एक गायक बताया, ती हूँ लोक में नाथ अनुपम जताया। कहाँ तक कहो नाद महिमा तुम्हारी, गजा आपने मुझे भगवान बता दिया, इतने पढ़ने से और आनंद लेना खूब। बस देखो एक बात है, ऐसे नहीं पढ़ा करो भी, जल्दी करो, 8-10 भजन पढ़ना है अपने, ये आधा घंटा है, 10 भजन पढ़ना है, जल्दी जल्दी पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसे नहीं। आप एक दिन में एक भजन पढ़ो, आधी आधा भजन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, लेकिन ऐसे गुनगुना के पढ़ो, आँख बंद कर लो, जैसे जिनवाणी माता आपको गोद में लेकर लोरियाँ सुना रही हो, साक्षात ऐसे लगे कि जी जी आचार्य कुनकुन बैठे, देखो जिनका हाथ है हमारे ऊपर, गड़दरों का हाथ है हमारे ऊपर, देखो केवली भगवान का हाथ है, छत्र छाया, बेटा तुम्हें परमेश्वर छो। अब अपन ये सुनते सुनते ट्रेडिशनल हो गए, इसमें भी ट्रेडिशनल हो गए, हूँ परमात्मा छू, ये सुन के कोई रोमांच नहीं होता। गुरुदेव से भी सुन करके हम भी कहें, कोई कहे, तो वो रोमांच खत्म ही हो गया, और ट्रेडिशनल बना देने का काम है जी, ट्रेडिशनल नहीं बनाना, एकदम रोमांच से भरो भैया। परम उपकार, अब तो समझ में आया कि नहीं आया? अरण सिद्ध भगवान परम उपकार कर सकते कि नहीं, जोर से बोलो ने, अरण सिद्ध भगवान परम उपकार कर सकते कि नहीं? तो उनकी और करोड़ों वर्षों अरबों वर्ष अरबों जन्म देखता रहे तो भी एक समय मात को सम्यक दर्शन नहीं होता। तेरा भगवान कितना सुंदर है, एक क्षण इधर देखते से ही सम्यक दर्शन हो जाता है। नरक में, नरक में, नरक में कौन है वहां? कार्य परमात्मा नहीं, असंख्या सम्यक दृष्टि। त्रयंच गति में कार्य परमात्मा नहीं है उनको, असंख्या सम्यक दृष्टि। असंख्या कितने? और तुम 700 करोड़ हो, बस ज्यादा नहीं हो, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि 700 करोड़, ज्यादा नहीं, गिनती के हैं। आगे समझ में आया कि नहीं आया? ओहो, फिर से कहां गई थी बात? शुद्ध पारिणामिक भाव, अशुद्ध पारिणामिक भाव। अब शुद्ध पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक कहते हैं, क्यों कहते हैं वो समझ गए आप? हाँ, अब आगे चलते हैं अपने को, अभी जीवत्व रह गया, अभी भव्य तो समझ में आ गया, सम्यक दर्शन की लायकात, रत्नत्रय की लायकात, भवसागर से तरने की लायकात का नाम भव्यत्व, और नई तरने की लायकात का नाम अभव्यत्व। अब जीवत्व इन सब में है, जीवत्व कॉमन है, जीवत्व कॉमन है। अब जीवत्व की बात सुनो, जीवत्व एक निश्चयपने कथन आता है जीवत्व का, जिसकी चर्चा यहाँ पर होगी, यहाँ पर व्यवहार जीवत्व की बात नहीं करेंगे। क्या कहा? निश्चय जीवत्व की चर्चा चलेगी, व्यवहार जीवत्व की चर्चा नहीं चलेगी, यहाँ पर व्यवहार नहीं से कथन नहीं करेंगे हम, हालांकि जिनवाणी में व्यवहार कथन है। पहले व्यवहार समझा दूँ, व्यवहार जीवत का मतलब होता है 10 प्राणों वाला, 10 प्राण, 10 प्राण कौन कौन से हैं? अब इसके लिए 1 घंटा कर लूंगा 10 प्राण का, अच्छा ठीक है आज छोड़ देता हूँ, कल समझाएंगे, 10 प्राण का मतलब समझाऊंगा कल आपको, बहुत अच्छा अर्थ है इसका, समझने लायक बात है। अभी अपन जीवत्व ले लेते हैं, जीवत्व माने पहली ही शक्ति है, 47 शक्तियों में जीवत्व शक्ति,
सैतालीस शक्तियों में कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? पहली शक्ति है जीव, सैतालीस में पहली जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति नाम क्यों पड़ा? जीवत्व, जीवत्व माने मन जीवन पना, जीव पना, जीवन पना, प्राण। जीवत्व शक्ति तेरा प्राण है जिससे तू जीता है। प्राणों के बिना कोई जी सकता है? लोग में अपन कहते हैं कोई प्राणों के बिना जी सकता है? सन ज्ञान दर्शन तेरा चैतन्य प्राण है। कैसा प्राण है? कैसा प्राण है? ज्ञान दर्शन तेरा चैतन्य प्राण है जिसके कारण जीव अनादिकाल से जीता है और अनंत काल तक जिएगा। इसका नाम यहां पर जीवत्व शक्ति, जीवत्व, जीवत्व पारिणामिक है। यहां जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव किसका नाम? चैतन्य प्राणों से तू अनादिकाल से जी रहा है और अनंत काल तक जिएगा, उसका नाम जीवत्व पारिणामिक भाव। क्या बोला? शुद्ध पारिणामिक भाव कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, जीवत्व भाव कहो। क्या मतलब? जीवत्व, जीवत्व माने जीवपना, जीवत्व माने जीवपना। वो कब से है? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। जीवत्व काय का नाम है? चैतन्य प्राण। जीवत्व माने चैतन्य प्राण, जीवत्व माने कठिन तो नहीं लग रहा? चैतन्य प्राणों से जीवित नित आयु बल श्वासो इंद्री बल श्वासो छवास नहीं हूँ आयु रहित में अजर अमर। समझ में आ रहा कुछ? ए शरीर नहीं देखना क्यों? इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास उससे रहित भगवान हूं। इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास नहीं। कल मैं पढ़ाऊंगा 10 प्राण, चिंता नहीं करना। अभी ये 10 प्राणों के नाम आ रहे हैं ना, अभी नहीं समझाऊंगा, कल समझा दूंगा। रात को जल्दी सो जाना सब लोग, यहां से जाके 10 बजे सो जा। आप लोग करते क्या? यहाँ 12 बजे से पहले नहीं सोए? जिनके चेहरे दिख रहे हैं ना, 12 से पहले नहीं सोए? अलग दिख जाता चेहरा। फिर से जीवत्व माने जीवपना, माने जीता है। कब से जी रहा है? कब तक जिएगा? अब इसमें कोई मर्म की बात छिपी है, सुन लो बस। जीवत्व माने, सुनना ध्यान से, ओहो भोजन से नहीं जीता। अब सही में 1 घंटा और चाहिए इसके लिए। एक काम करो, आप स्वामी जी का जीवत शक्ति का प्रवचन पढ़ के आना बस, तो फिर मुझे नहीं समझाना पड़ेगा, आप वहीं समझ जाओगे सब। आज तुम्हें क्या लगता है पुण्य के बिना भी कोई जीना जीना है? भैया पुण्य के उदय के बिना नहीं जी सकते, पैसा के बिना नहीं जी सकते। क्यों जी सकते हो? इज्जत आबरू के बिना भी जीना कोई जीना है? ये मिथ्यात टूट जाना चाहिए जीवत शक्ति समझ के। फिर से बोलो, जीवत शक्ति समझ के क्या समझ जाना चाहिए? ये मिथ्या टूटना चाहिए, इज्जत आबरू के बिना नहीं जी सकता। कौन की इज्जत आबरू बताना? तुम्हारी इज्जत आबरू कौन कौन की? जरा आबरू वाला कौन कौन है बताना जरा। अरे चेतन प्राणों को समझे बिना इज्जत आबरू नहीं मिलती। तू पुद्गल की आबरू को अपनी आबरू समझता है, 4 मूर्ख लोग तेरी तारीफ करते तो उसको आबरू समझता है, यही मिथ्यात्व तेरा। 1 आध किलो सोना हो महिला के पास और पति उसकी पिटाई भी करती है तो, पिटाई करता तो भी खुश होती है, इज्जत बहुत है। पति मुझे बहुत चाहता है, 10 तोले का हार लाया, भले भले वो सब कुछ भी करता रहे, दुख देता रहे, कोई टेंशन नहीं। क्या क्या गजब है। सुनो, अपनी आबरू सोना से, चांदी से, पैसा से, लोगों की प्रशंसा से मानते हो तो मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? रे रे रे, बहुत बहुत कष्ट होता है। हमारी प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत आबरू दुनिया में नहीं है, पैसा से नहीं है, दान करने से भी हमारी इज्जत आबरू नहीं है, पूजा पाठ करने से भी हमारी, बोलो जोर से, इज्जत आबरू नहीं है। हाँ सब जने की बहुत पूजा करती है, अपन खुश, मोटे नहीं बनना भैया। समझ में आ रहा कि नहीं? अरे कमाने की तो बात ही कहाँ गई, कमाने से तो कोई, बोलो तो जोर से, कमाने से तो कोई इज्जत आबरू, क्या कहें, कमाने में इज्जत आबरू जाती है भगवान की।
क्या कहा, क्या कहा बोलो तो हमें सुनाई दो पड़े। ये दुकानदारी और घर घूले का काम और छोकरा छोकरी पालना उठाना बैठाना, इसमें भगवान तेरी प्रतिष्ठा जाती है। पढ़ लेना स्वामी जी के प्रवचन है, स्वामी जी के प्रवचन है, मैं नहीं कह रहा हूं। अपनी प्रतिष्ठा गंवा करके मिथ्या दृष्टियों के बीच में रहते रहते उसको अपने इज्जत आवरू समझ ली। मैं क्यों कह रहा हूं, उस इज्जत आवरू पाने के नाम पर तूने चेतन प्राणों का घात किया। आज पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी करने तैयार, दुनिया में दिखाने के लिए लोग कहें कि भैया ये भी उदार हैं, तो छोकरा की शादी में 10 लाख रुपया खर्च, 50 लाख खर्च, लोग कहें, लोग कुछ कहें, लोग कुछ कहें, मूर्ख है, लोग कहेंगे मूर्ख है, और लोग नहीं कहेंगे तो ज्ञानी तो कहेंगे ही, लोग तो कहेंगे, लोग तो कहेंगे मजा करो ऐश करो बहुत। फिर हृदय से कह रहा हूं, इज्जत आबरू की परिभाषा लिख के लाना भैया, किसको इज्जत आबरू समझते हो आप? अपने चेतन प्राणों का घात। देखो एक खोटा दृष्टांत देता हूँ, बिना उसके काम नहीं चलेगा, खोटा दृष्टांत देता हूँ। एक स्त्री को, उसका पति गरीब था, तो वो हमेशा दुखी रहती थी कि कोई इज्जत आबरू नहीं है अपनी, गरीब है ना अपन, इज्जत आबरू नहीं है। तो उसने कह रहे अब क्या करें, तो पति तो कमा नहीं सकता इतना, तो वो सुंदर थी तो फिर वो बेसे जैसा काम करने लगी, तो फिर तो हर कोई आए, धीरे धीरे खूब पैसा हो गया, सोना चांदी हो गया, बंगला हो गया, कार हो गई, बहुत एक से एक कपड़े हो गए, एक से एक, और लोग भी उसकी चर्चा करने लगे पूरे नगर में, अरे भैया कितनी सुंदर है, अरे कैसी सुंदर है, ऐसी चर्चा भी हुई। अब उसे बड़ी प्रसन्नता होती है, अब इज्जत आबरू हुई। बता भैया, बेस्या वृत्ति से जैसे उसका सोना बढ़ गया, प्रॉपर्टी बढ़ गई, लोग चर्चाएं करने लगे, लोग उसके जेब में फोटो रखने लगे और सड़कों पर उसके फिल्मी हीरोइन के फोटो जैसे छपने लगे, जी इज्जत आबरू है। यदि इसका नाम इज्जत आबरू है तो बेआबरू किसका नाम बोलो? ऐसे मिथ्या दृष्टि, अपनी इज्जत गवाकर, अपनी प्रभुता गवाकर, अपना केवल ज्ञान गवा के, अपना रत्नत्रय लुटा के, अपने केवल ज्ञान और रत्नत्रय में लात मार के दूर करता हुआ, कुछ बोला मैंने, क्या बोला, दूर करता हुआ, अपने सील को ठोकर मारती हुई, अपने पति को दूर करती हुई, अपने पति को दूर करती हुई, अनेक यारों के बीच में रहकर वो जो प्रॉपर्टी, कपड़ा, मेकअप, सोना चांदी, उसको इज्जत आबरू मानना कितना दुखद है। हो सकता है लोग मूर्ख उसे अच्छा कहें, लेकिन समझदार लोग कहेंगे सील ही श्रृंगार है, ये आबरू नहीं है। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, बहुत तीखा प्रवचन है, बहुत तीखी बात कह रहे हैं, आप सोना चांदी पैसा मकान दुकान, जिसको आपने इज्जत आबरू समझ लिया, कमाना खाना, लोग 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 कुछ कहें, अरे तुझे पता नहीं है, तुझे भगवान बनने का चांस था, तूने उसमें ठोकर मार दी, तूने केवल ज्ञान में ठोकर मार दी। सुनोगे ध्यान से, समय तो हो रहा है आपका, दर्शन मोह का बंध क्या कहलाता है समझे बोलो भैया, दर्शन मोह का बंध किसे कहते हैं? दर्शन मोह समझते हो? दर्शन मोह माने मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, मतलब समझते हो कि जितना जितना दर्शन मोह का बंध हो रहा उतना उतना सम्यक दर्शन में लात मार रहे हो, वो सम्यक दर्शन उतना उतना दूर जा रहा है। केवल ज्ञानावरणी में लात, केवल ज्ञान में लात मार रहे हो तो केवल ज्ञानावरणी कर्म बन रही है, अपने भगवान के अनादर करने से केवल ज्ञानावरण बंद होता है, सम्यक ज्ञान का आवरण होता है। ओहो हो, समझ आ रहा कुछ? तो पंडित जी आप क्या चाहते हो, हम आज ही छोड़ के जाएं आपके पास? हम क्या कहें, अरे इतनी योग्यता वाले हो जाओ तो हम तो खुश हो जाएंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खुश हो जाएंगे। लेकिन योग्यता, अभी तो योग्यता की चर्चा चल रही, इतनी योग्यता पैदा करो, छोड़ो कि मत छोड़ो वो हम नहीं कहते, लेकिन इसको मत भूलो। कल रात को क्या कहा था आप, चाहे जैसा पाप का उदय आए, अपनी प्रभुता, अपनी पूर्णता कभी नहीं भूलना। क्या करें भैया, अब तो जीवा तो समझ में आया कुछ? आहा, पढ़ने से जीवित नहीं हूं, पढ़ लेना आप, आज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे 47 शक्ति का प्रवचन पढ़ना आप, मैं पुण्य से जीवित नहीं हूँ, संयोग से जीवित नहीं हूँ, निमित्तों से जीवित नहीं हूँ, अरे मेरे ज्ञान दर्शन चारित सुख है ने, वो भगवान के कारण नहीं जीवित है,
शास्त्र के कारण जीवित नहीं है, दिव्य ध्वनि के कारण जीवित नहीं है। आहा, मेरे चेतन प्राणों से मेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और केवल ज्ञान महक रहा है, इसका नाम जीवत्व शक्ति। पर द्रव मेरी शोभा नहीं है। बोलो भैया, मुझे मालूम सबके चेहरे सन्नाटे से भर गए, क्यों बेआवरू हो गए सारे के सारे। हो नहीं गए, थे बेआवरू थे। सम्यक दर्शन से शोभा शुरू होती है भैया, सम्यक दर्शन से आवरू शुरू होती है। अब पढ़ना, सब स्वामी जी ने सब प्रवचन किए हैं। स्वरूप प्रतिष्ठित ही प्रतिष्ठित है, स्वरूप प्रतिष्ठा के बिना किसी को प्रतिष्ठा मिलती नहीं है। अपने प्रतिष्ठित भगवान को देखो, क्या कह रहे, अपने प्रतिष्ठित भगवान को देखो। ओम नमः शिवाय। शॉर्ट में पूरा कर दिया भैया, मन नहीं भरा हमारा।